अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो है बहुत सिंपल सी स्पैगेटी। ठीक है, बच्चे अमूमन पसंद करते हैं इसको बहुत ज़्यादा, बड़े भी लेकिन खा लेते हैं। तो चलें आपको बताती हूँ, मैं स्टार्ट करते हैं। प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ के लिए मैंने चॉप कर ली है। बंद गोभी का एक फूल होता है जो उसका चौथा हिस्सा जो है उसके स्लाइस कर लिए मैंने। ठीक है, ये है शिमला की मिर्च, ये एक पूरी शिमला की मिर्च होती है उसका चौथा हिस्सा मैंने लिया है, उसके स्लाइस कर लिए हैं। गाजर 1 अदद है, इसके भी स्लाइस कर लिए हैं। ये चिकन है, ठीक है, इसके मैंने चिकन के जो है ना बड़े बड़े 4-5 पीस लिए थे, तो उसको मैंने जो है बॉईल करके और उसके रेशे कर लिए हैं। ठीक है, पहले से। ये टमाटो सॉस है, ठीक है, ये 2 टेबल स्पून है। सोया सॉस और सिरका 1-1 टेबल स्पून मिक्स कर लिया इन दोनों को मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1/2 टेबल स्पून है। नमक 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम बनाना। और ये जो स्पेगेटी है ना, ये मैंने 250 ग्राम ली थी, ठीक है, इसको मैं बॉईल कर चुकी हूँ पहले से। ये देखें, जब मैं इसको बॉईल कर रही थी तो मैंने इसमें 1 अदद जो है ना ऑयल का, मतलब 1 टेबल स्पून डाल दिया था। उसे क्या होता है, ये चिपकती नहीं है, वरना क्या होता है अगर हम ऑयल ना यूज़ करें तो ये इस तरह ना ये जुड़ जाती है, गत्था सा बन जाता है इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल जो है वो मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 टेबल स्पून ली है। ठीक है, इसमें हम प्याज डाल देते हैं अपनी। लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और नमक, ये सोया सॉस और सिरका, ये हमने अब चिकन जो है निकाल लिया। ठीक है, और ये दोबारा से हमने इसमें जो है 3 टेबल स्पून जो है वो दोबारा ऑयल के डाले हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है इसमें गाजर डालेंगे। ठीक है, शिमला की मिर्चे, बंद गोभी जो है वो हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, सॉस डाल देंगे, इसमें हम ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ताकि गाजर और ये शिमला की मिर्च थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाए, मतलब फुल ना गले। इसको हम 2 मिनट रखेंगे सिर्फ। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये अपना चिकन डाल देंगे जो हमने मसाला डाल के सारे वो किया था। अब इसमें बंद गोभी डाल देंगे अपनी।
मेरा बेटा जो है वो वेट में बैठा हुआ है, अभी आया था। अम्मी हो गए तैयार। इसके बाद लास्ट में हम जो है ये स्पैगेटी अपनी डाल देंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब इसमें केचप डाल देंगे। ये देखें ऐसे। और ये मेयोनीज डाल देंगे। ये ठीक है। और अब इसको फिर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो स्पेगेटी है वो तैयार हो चुकी है। तो गर्मा गर्म स्पेगेटी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है। ठीक है, बनाएं और खाएं और फिर मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है ये आज की रेसिपी मेरी, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो खुश रहिए, सबको खुश रखिए और बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखिए, किसी की दिल आज़ारी मत हो आपसे। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।